देखिए, झूठी समाजवादी पार्टी के लोगों को हमेशा झूठी रिपोर्टें लिखी गई हैं, हमेशा झूठी रिपोर्टें लिखी गई हैं। आजम खान पर कितनी झूठी रिपोर्टें लिखी गई हैं, तमाम तरह के। देखिए, सुधाकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उन्हें सभी समाज का वोट मिलेगा, सभी समाज का वोट मिलेगा और जीतेंगे। जीत का असर क्या 2024 में पड़ेगा सर इसका? देखिए, बड़ी बहुमत से जीतेंगे और इसी तरीके से फिर 2024 का चुनाव समाजवादी पार्टी जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। तो सर, इंडिया की गठबंधन की जो बैठक है, तो आगे क्या रणनीति उस पर होगी? कुछ इंडिया की बैठक है, बैठक में अब तो तय है कि ये इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में हराएगा। अच्छा सर, एक इंडिया तो चांद पर पहुंच गया, आपका इंडिया कहां तक है? देखिए, वो तो विज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई। अब चांद पर जो विज्ञान ने जो काम करके दिखाया है, तो फिर इंडिया ग्रेट है जी। जो आगामी आपका इंडिया बना है उसके लिए आप पाल जी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि सदन में योगी जी बार बार 27 बार आपका नाम लिया कि चले आइए। देखिए, ये लोगों का कोई ठिकाना नहीं है। ओम प्रकाश जो राजवर हैं, ये हमेशा दल बदलते हैं। आपको पता ही होगा, 1996 से शुरुआत करी है, कितने उन्होंने दल बदले और कोई इनका ठिकाना नहीं, कब कहाँ चले जाएं, क्या कुछ बोल दें। और मैंने अभी बताया ही है आपको, कब क्या बोल दें, किसके लिए बोल दें। अच्छा सर, जिस तरह से सदन में योगी जी आपसे बात करते हैं, आपको संबोधित करते हैं या किसी भी सवाल पे आपसे बुद्धि बुद्धि की बात करते हैं, इसके पीछे क्या सोच? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्रकारी पार्टी है, विभाजनकारी नीति है इनकी, तो ये हमेशा विभाजन करने की कोशिश करते रहते हैं। फूट डालो परिवार में, फूट डालो आपस में, फूट डालो, ये इनकी नीति है। तो आपको तो सम्मान देते हैं, तो हम का वो तो देना ही पड़ेगा। हम लगातार 6 बार के विधायक हैं, और अब गए थे मैनपुरी, हमारे क्षेत्र में भी इन्होंने कोशिश की थी, लेकिन हमने वहाँ से कितने वोटों से जीता, और इस तरीके से मैनपुरी सीट कितने ही जीत, तभी कोशिश की थी इन्होंने विभाजन करने की कोशिश। प्रदेश में समाजवादी पार्टी से कई विधायक चले गए, कई पूर्व विधायक चले गए, तो देखिए, जो दल बदलू होते हैं ना, वैसे तो समाजवादी पार्टी में अधिकांश जो पक्के समाजवादी पार्टी हैं कभी नहीं हटते, और जो इधर उधर से आते हैं ना, उनसे थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। जैसे अभी सर, प्रदेश में बिजली और स्वास्थ्य की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरह से ठप हैं। इधर बिजली का देख लिए, इतनी महंगी बिजली, और वादा करते हैं 22 घंटे 24 घंटे, और 8 घंटे 10 घंटे से ज़्यादा बिजली कहीं आ नहीं गई। इधर देखिए, छापे पर पड़ रहे हैं, FIRें भी हो रही हैं, और बिजली देते नहीं, और इतने छापे और ये करने के बाद भी रेवेन्यू इनका बढ़ता नहीं। तो देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा भ्रष्टाचार अभी तक कोई भी सरकार नहीं थी, सबसे भ्रष्ट अभी तक के सरकारों में सबसे भ्रष्ट सरकार भारतीय जनता पार्टी।